यमुनोत्री में कांग्रेस का हाथ और मजबूत हो गया है। क्षेत्र के बड़े नेता जगवीर भंडारी ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। बता दें कि टिकट न मिलने से नाराज भंडारी भाजपा से अलग होकर निर्दलीय मैदान में उतर गए थे, लेकिन आयन वक्त पर अब उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामकर दीपक बिजलवाण को समर्थन दे दिया है। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में भंडारी को विधिवत कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई गई। मैंने जो नामांकन किया वो एक प्रकार से मैंने कहा पार्टी वाले इतने वर्षों की मेरी सेवा है, शायद कोई विचार करें, तो पार्टी वालों ने ऐसा नहीं समझा, तो फिर मैंने जो है ये निर्णय लिया। ये जो कम्युनिकेशन गैप हुआ बीच में, इससे संजय डोभाल बढ़ा है, ठीक, क्योंकि हम लोग बिल्कुल शांत बैठ गए थे, परंतु ऐसी बात नहीं, हम लोग अब जाएंगे जनता के पास, उनको जो है बताएंगे, समझाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि निर्दलीय को लोग वोट देंगे। देखो, जगवीर भंडारी जी उस एरिया में प्रमुख भी रहे हैं, उस एरिया में उनकी एक छवि है, स्वच्छ छवि के हैं, आज तक कोई दाग इन पे नहीं है। बीजेपी के ये समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और बरसों इन्होंने बीजेपी में कार्य किया, लेकिन बीजेपी में इनको वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान मिलना चाहिए था। पिछली बार जब ये विधायक के लिए उठे तो जितनी वोट इनको अपनी हैसियत से मिले वो अपेक्षा से अधिक थे। तो ऐसे एक बहुआयामी चेहरे की कांग्रेस में आवश्यकता थी, और उसके लिए मैंने भी कम से कम, माननीय भंडारी जी यहीं पर है, पिछले 3 सालों से प्रयास किया, लेकिन हम असफल रहे, लेकिन वो प्रयासरत रहते 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 आज हम सफल हो गए हैं और भंडारी जी को कांग्रेस में ले आए हैं। तो निश्चित है कि उत्तरकाशी, जो हम गंगा और यमुना के मायके वाले हैं, वहाँ से भंडारी जी का कांग्रेस में पदार्पण जिले के लिए नहीं, मैं तो समझता हूँ प्रदेश के लिए और देश हित में है। और हम भंडारी जी के लिए, जैसे आपने दूसरी पिछली बार जब आपने इंटरव्यू लिया तो कहा कि इनका क्या योगदान रहेगा और इनको क्या मिलेगा, मैं समझता हूँ कि जो आज तक बीजेपी में भंडारी जी को नहीं मिला है, इस उम्र तक सेवा करने के बाद भी उससे अधिक ही मिलेगा और आवश्यकता से अधिक कांग्रेस में मिलेगा। वहीं भंडारी के साथ आने पर बिजलवाण भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिजलवाण ने उनके सियासी अनुभव का फायदा मिलने की उम्मीद जताई, साथ ही यमुनोत्री प्रत्याशी ने भंडारी को पिता तुल्य करार दिया। मुझे संरक्षण के तौर पर एक पिता तुल्य हमारे इस यमुनोत्री विधानसभा ही नहीं बल्कि संपूर्ण जनपद में उनका एक व्यक्तिगत तौर पर बड़े अदब के साथ नाम लिया जाता है, क्योंकि उनके संघर्ष, चाहे वो उद्यान क्षेत्र में हो, चाहे उनके अपने संघर्ष यमुनोत्री जिला संघर्ष के लिए हो, उन्होंने अपने संघर्षों को हमेशा बनाया है। और मैं जानता हूँ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी ये बात करी कि भैया मेरा ये समर्थन कांग्रेस पार्टी के लिए है, यमुनोत्री का जिला बनेगा और यमुनोत्री जिला जो कि हमारे बड़कोट को केंद्र मानते हुए हम लोगों ने सोचा है, और उस पर जगवीर भंडारी जी ने लंबा डिस्कशन यहाँ पर किया है, साथ ही कि बड़कोट जिला हमारा मुख्यालय रहे और तमाम चीज़ों पर उन्होंने खुली राय रखी है। साथ ही उन्होंने ये तय कर दिया है कि यमुनोत्री विधानसभा की सीट पर फाइनली कांग्रेस पार्टी जीतेगी और पुरोला और गंगोत्री में भी उनका एक बड़ा प्रभाव है, और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, कांग्रेस पार्टी के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज कांग्रेस पार्टी के सभी कद्दावर नेता, चाहे वो सम्मानित अतुल राहुल जी हैं, बड़े भाई सुखदेव राव जी हैं, बड़े भाई निर्मल जी हैं, प्रकाश चंद्र मुला जी हैं, सब लोग कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, सुरवीर रंगड़ जी हैं, और आने वाले दिनों में ये सब दिखेगा, कांग्रेस पार्टी की मेहनत काम करेगी और यमुनोत्री विधानसभा बड़े अंतर से हम जीतेंगे। भंडारी का ऐन वक्त में साथ छोड़ हाथ के साथ जाना भाजपा के लिए कितना बड़ा झटका होगा, इसका जवाब तो समय ही देगा। लिहाजा तब तक आप देखते रहिए समय साक्ष्य।